केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश के 52 लाख कर्मचारियों के लिए डीए बहाली का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम के बाद देश के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए लाभ को बहाल करने जा रही है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज के मुताबिक जनवरी से लेकर जून 2021 के बीच में कम से कम डीए में 4% का इजाफा किया जा सकता है। डीए बहाली होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा। इसमें जनवरी से जून 2020 तक का डीए में 3% की बढ़ोतरी, जुलाई से दिसंबर 2020 तक 4% बढ़ोतरी और जनवरी से जून 2021 तक 4% बढ़ोतरी शामिल है।